हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ई डेट फॉर्मूले को लेकर के है। ईओ मंथ फॉर्मूला हम पहले भी सीख चुके हैं, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं स्टार्ट डेट मैंने लिखा हुआ है, तो यहां पर एक डेट मैंने लिख दिया है 2/10/2021 और यहां पे मंथ लिखा हुआ है, यहां पे मंथ में 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आप 2/10/2021 के 10 महीने बाद कौन सा डेट आएगा उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इज इक्वल टू लगाया हमने और यहां लिखेंगे ई डेट, तो जैसे ई और डी टाइप करेंगे तो नीचे ई डेट शो हो जाएगा और यहां पर ई डेट ले लीजिए, आप टैब प्रेस कर दीजिए तो ई डेट यहां पर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है ध्यान से समझ लीजिए, ये दिया हुआ स्टार्ट डेट, तो यही डेट स्टार्ट डेट है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेल एड्रेस आ चुका है, सेल एड्रेस के बारे में मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं। अब यहां पर कॉमा दे देंगे। अब 10 महीने बाद कौन सी दिन आनी है, कौन सा डेट आना है, ये हमें पता लगाना है, तो इसको सेलेक्ट किया। अब इसको बंद किया और एंटर प्रेस किया, तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहां पर 2 अगस्त 2022 यानी कि 2/10/2021 के 10 महीने, ठीक 10 महीने बाद 2 अगस्त 2022 आएगा, ये इसमें बता रहा है। ठीक है, यानी कि वो डेट आ गई जो 10 महीने बाद आएगी, 2/10/2021 के 10 महीने बाद यही डेट आने वाली है। तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये तो बाद की डेट की बात हुई, अब पहले के डेट के बारे में क्या। ठीक है, तो आज जैसे मान लीजिए 28 अप्रैल है, तो यहां पर लिखा 28/4/2021 कर देता हूं। ठीक है, डायरेक्टली किस लिख देते हैं, हो गया। तो ये देखिए यहां पर एक डेट और आ चुकी है और यहां पर अब हम चाहते हैं कि 2 दिन बाद, सिर्फ 2 मंथ दिया हुआ है ना, 2 महीने बाद कर देते हैं या 1 महीने बाद कर देते हैं, 1 महीने बाद कौन सी डेट आएगी वो हमें पता करना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर अगर मैं ड्रैग करता हूं तो हमें 1 महीने बाद के डेट का अनुमान लग पाएगा। ठीक है, 1 महीने पहले के डेट का अनुमान नहीं लगेगा। अगर जैसे ही ड्रैग करता हूं तो देखिए यहां पर अप्रैल के बाद मई आता है, तो ये मई का डेट आ गया, ये यानी कि वो तारीख आ गई जो आगे आएगी, भविष्य में आएगी। ठीक है, लेकिन हमें भूतकाल की तारीख देखनी है, यानी 1 महीने पहले कौन सी तारीख थी इसी डेट पर, तो यहां पर माइनस लगा दीजिए सिर्फ और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो देखिए 28/3/2021 आ गया। बहुत ही आसानी के साथ ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से इसका फॉर्मेट मैं बदल देता हूं, फॉर्मेट इस तरह का हम रखेंगे और ये यहां से फॉर्मेट प्रिंटर यूज कर लेता हूं, फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं, तो ये इस तरीके से आ गया। आप देख सकते हैं जैसे ही माइनस मैंने लगाया तो यहां पर 1 महीने पहले की डेट आ गई। अगर यहां पर मैं -2 कर देता हूं, देख सकते हैं आप यहां पर -2 कर दिया तो 2 महीने पहले की डेट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से -3 कर दूंगा तो 3 महीने पहले की डेट आ जाएगी, आप देख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप ये बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।